आइंस्टाइन के बचपन की बात है जब वे स्कूल में पढ़ते थे और उन्हें मंदबुद्धि कहा जाता था। एक बार जब स्कूल से वे घर आ रहे थे तो स्कूल के प्रिंसिपल ने उनके हाथों में एक लेटर थमा दिया और कहा कि इस लेटर को तुम अपनी माँ को देना। आइंस्टाइन भी घर पहुँच गए और उन्होंने वह लेटर अपनी माँ को दे दिया। माँ ने देखा कि प्रिंसिपल का लेटर है। आइंस्टाइन ने पूछा, लेटर में क्या लिखा है? माँ ने कहा कि बेटा, इसमें यह लिखा है कि तुम्हारा बेटा अल्बर्ट आइंस्टाइन असीम प्रतिभा का धनी है। आपके बेटे में विलक्षण प्रतिभा है। यह बड़ा होकर जरूर महान काम करेगा। यह जरूर साइंटिस्ट बनेगा। लेकिन हमारा स्कूल और हमारे स्कूल के टीचर इस लायक नहीं है कि आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे सके। इसलिए आप अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाना। लेटर को पढ़कर आइंस्टाइन की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा, कल से मैं तुम्हें अपने घर में ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा स्कूल, तुम्हारे स्कूल की मैनेजमेंट और तुम्हारे स्कूल के जो टीचर है वे सब तुम्हें पढ़ाने के लायक नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें घर में ही पढ़ाऊंगी। अपनी माँ से यह बात सुनकर आइंस्टाइन भी बहुत खुश हुए और उन्होंने आगे की पढ़ाई घर से ही शुरू की। आगे चलकर आइंस्टाइन की माँ का निधन हो गया और बड़े होकर आइंस्टाइन एक महान वैज्ञानिक बने। उनके द्वारा कई महान खोजें की गई। इसी दौरान आइंस्टाइन जब अपने मकान को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे तो पहले वाले घर में जब वे सामान की चेकिंग कर रहे थे तो उनको एक ड्रॉज में एक लेटर मिला और ये वही लेटर था जो बचपन में स्कूल के प्रिंसिपल ने आइंस्टाइन को उनकी माँ को देने को कहा था। उत्सुकतावश उन्होंने वह लेटर खोला और पढ़ने लगे। लेटर को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए। दोस्तों, लेटर में जो लिखा था वह सुनकर आप भी हैरान हो जाओगे। उस लेटर में यह लिखा था कि आपका लड़का मंदबुद्धि है, यह इस लायक नहीं है कि हमारे स्कूल में पढ़ सके, इसलिए हम आपके बेटे को स्कूल से निकाल रहे हैं और अगर आप अपने बेटे को आगे पढ़ाना चाहते हो तो घर में ही पढ़ा सकते हो। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात यह है कि जब आइंस्टाइन ने अपने बचपन में अपनी माँ से यह पूछा था कि लेटर में क्या लिखा है तो उस वक्त उसकी माँ ने यह लेटर उल्टा पढ़ा और कहा कि तुम तो दुनिया के सबसे बुद्धिमान इंसान हो और तुम्हारा स्कूल और तुम्हारे स्कूल के टीचर इस लायक नहीं है कि तुम्हें अच्छी शिक्षा दे सके। दोस्तों, अगर उस वक्त आइंस्टाइन की माँ ने अपने बेटे को सच बताकर डिमोटिवेट किया होता तो शायद ही हमें आइंस्टाइन के रूप में सदी का एक महान वैज्ञानिक देखने को मिलता। दोस्तों, आइंस्टाइन के जीवन के बारे में यह बात जानकर आपको कैसा लगा कॉमेंट जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें अपना सपोर्ट जरूर दें। धन्यवाद।